रहमान रहीम। हाँ फ्रेंड्स, मैंने दो अदद जो प्याज हैं वो बिल्कुल बड़ी क्रश करके ऑयल डाल के इसमें फ्राई होने के लिए रख दिया। पेस्ट 2 टेबलस्पून राउंड अबाउट, और इसके साथ साथ जो इसमें मसाला जात हैं उसमें मैंने डाली है कलौंजी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके साथ साथ इसमें मैंने डाली है अजवाइन 1/2 टीस्पून, और साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ ली है, और साथ साथ मैंने इसमें राई ली है, ठीक है। और थोड़े से गरम मसाला जाते हैं जिसमें मैंने लौंग लिए हैं, दालचीनी ली है, और छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्चें हैं साबुत। और इसके साथ साथ इसमें ऐड करूँगी जनाब मैं सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, 2 अदद मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज का अच्छा खूबसूरत सा जो कलर है वो जो मुझे चाहिए था वो आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको मैं खूब अच्छा सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। आँच मैंने मीडियम की हुई है, बहुत हाई फ्लेम पर मैंने नहीं रखा। और जैसे ही मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होता है देन इसमें मैं डाल दूँगी बाकी के तमाम मसाला जात। अच्छा, रेसिपी मैं आपको बताऊँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बोनलेस चिकन विद पोटैटो, बहुत मज़ेदार, बहुत आलू गोश्त की सब्ज़ी, ठीक है। आलू गोश्त जो कि मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस से जो टेस्ट आएगा बिलीव मी वो हड्डी वाले गोश्त के साथ नहीं आ सकता। अच्छा, हर रेसिपी की अपनी अपनी रिक्वायर है, जिस तरह से रेसिपी की रिक्वायर है वो इंग्रेडिएंट्स डाल के अगर रेसिपी बनाई जाए तो बिलीव मी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपने तमाम मसाला जात। डालने जा रही हूँ मैं अपने तमाम स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम स्पाइसेस डाल के इसको करूँगी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब डालने जा रही हूँ इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, बिल्कुल भी किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होना चाहिए। जितनी हम अल्लाह के रिज़्क़ की कदर करेंगे अल्लाह ताला उसमें उतनी ही बरकत डालते हैं। अच्छा, इसको मैं फ्राई कर चुकी हूँ 2 मिनट। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपना थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ढक्कन से इसको मैं कर दूँगी बिल्कुल स्टीम पे। जी फ्लेम को कर दिया लो और इसको मैंने ढक दिया, ठीक है। जी तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा मसाला कहाँ तक रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन मैंने हटा दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा भून चुका है, देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस कंडीशन में इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन धो के साफ है। पीसीज आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, छोटे या बड़े। अब इसको करूँगी मैं फ्राई 5 से 7 मिनट, इसको मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। जी तो फ्रेंड्स, चिकन हमारा हो चुका है और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ ये तमाम चीज़ें, टमाटर। अच्छा, अब इनको डाल के मुझे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसको दम पे रख दूँगी। जी तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स, आलू और बोनलेस गोश्त को। अब आलूओं की भी मैं 5 मिनट बनाई कर चुकी हूँ, इसका मतलब है इसका कच्चापन जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आप चाहें तो इनको ड्राई रख सकते हैं, चाहें तो इनकी थोड़ी सी ग्रेवी कर लें। ये मैं चेक करने जा रही हूँ कि चिकन आया हो गया है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। और ये जो प्याज है ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लुक देता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा आ जाएगा। बस अब इसको मैं रखूँगी दम पे, मैं इसको दम पे रखूँगी, उसके बाद धनिए के साथ और टमाटर के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह, सालन रेडी हो चुका है और अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है,
वाह ज़बरदस्त, मैंने इतनी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो उसको ड्राई कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार स्पाइसी चटपटा, सब्ज धनिया से इसकी कर दी है मैंने गार्निशिंग, सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग माई चैनल।